अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने लगे हैं GIT का चैप्टर नंबर 64 स्टार्ट किया हुआ है। GIT का चैप्टर नंबर 2 है, इसमें हम पढ़ने लगे हैं डिग्लूटिशन, जिसको हम स्पेलमिंग कहते हैं। पहला स्टेप क्या था? मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन में हमने खुराक को चुबा लिया। अब हमने खुराक को निगलना भी तो है ना, उस प्रोसेस को हम डिग्लूटिशन कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के जरिए हम माउथ से फेरिंग्स में जाती है, माउथ से फेरिंग्स में जाती है, ये फेरिंग्स है। इसके बाद वो चले जाती है इसोफेगस में, इसोफेगस से आगे चले जाती है स्टमक में। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं स्वेलविंग। स्वेलविंग की 3 स्टेजेस होती हैं, वॉलंटरी स्टेज होती है, फ्रेंजियल स्टेज होती है और इसोफेजियल स्टेज होती है। ठीक है, पहली स्टेज सिर्फ वॉलंटरी होती है, बाद में फ्रेंजियल स्टेज और इसोफेजियल स्टेज दोनों इनवॉलंटरी होती है। वॉलंटरी स्टेज में क्या होता है, वॉलंटरी स्टेज में क्या होता है कि हम जब बॉलस अंदर डालते हैं ना, तो टंग की अपवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट से ना बॉलस फेरिंग्स में चला जाता है। टंग की बस मतलब टंग का रोल होता है, टंग की अपवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट से बॉलस चला गया फेरिंग्स में। फेरिंग्स में चला गया, अब एक दफ़ा पीस बैक ऑफ द माउथ में चला गया, तो इसका मतलब है सारे प्रोसेस इनवॉलंटरी हो जाएंगे। तो ठीक है, अगला प्रोसेस, अगला स्टेज आ जाएगी फ्रेंजियल स्टेज। फ्रेंजियल स्टेज में क्या, फ्रेंजियल स्टेज इनवॉलंटरी है। फ्रेंजियल स्टेज में क्या होना है, पोस्टीरियर माउथ में जब होगा ना हमारा बोलस, तब क्या होता है कि यहाँ पे ना रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर एरिया होता है, स्वेलविंग रिसेप्टर एरिया होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है पेरेंट्स की ओपनिंग के गेट्स और टॉन्सिलर पिलर्स। ठीक है, रिसेप्टर एरिया होता है, स्वेलिंग रिसेप्टर एरिया होता है कहाँ कहाँ पे, फेरिंग्स की ओपनिंग के साइडों पे और टॉन्सिलर पिलर्स के साइडों पे। ठीक है, उसके ऊपर वहाँ रिसेप्टर एरिया एक्टिवेट हो जाता है। रिसेप्टर एरिया जब एक्टिवेट हो जाता है तो एफरेंट जाते हैं। ठीक है, एफरेंट जाते हैं 5th और 9th नर्व के जरिए, 5th नर्व और 9th नर्व। ठीक है, फिफ्थ ट्राइजेमिनल नर्व और ये 9th ग्लोसोफ्रेनियल नर्व, इनके जरिए जाते हैं और जाते हैं हमारे स्वेलविंग सेंटर में। स्वेलविंग सेंटर कहाँ पे होता है, स्वेलिंग सेंटर हमारे मिडिला और लोअर फोन्स में स्वेलविंग सेंटर होता है, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे जाते हैं, उसके बाद ये इसके बाद इफ्रेंट्स आते हैं और इफ्रेंट्स आते हैं फेरिंग्स के पास, ईसोफेगस के पास, अपर इफ्रेंट्स आते हैं फेरिंग्स के बाद और अपर ईसोफेगस के पास। ठीक है, और उसने क्या क्या काम करना है, ये सारा तो बात भी हो गया, इसने क्या क्या काम करना है। सबसे पहले ये जो इफ्रेंट्स आएंगे, इन्होंने क्या क्या करना है, इन्होंने क्या करना है, सबसे पहले तो सॉफ्ट पैलेट, इसके दो पार्ट्स होते हैं ना, हार्ड पैलेट और ये पीछे वाला, बिल्कुल ये पीछे वाला सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट ही ना अपवर्ड मूवमेंट होती है, सॉफ्ट पैलेट की अपवर्ड मूवमेंट हो जाती है, उसके बाद से ये हमारा नाक होता है, उसके इंटीरियर नेयर्स होते हैं, उसके अलावा पीछे भी तो खुलता है जाके, उसको कहते हैं पोस्टीरियर नेयर्स। ये जो हमारी सॉफ्ट पैलेट है ऊपर मूव कर जाती है, ठीक है, अपवर्ड उसकी मूवमेंट हो जाती है, उसके बाद से पोस्टीरियर नेयर बंद हो जाता है और ताकि नोज में एंट्री ना हो जाए फूड की। ठीक है, सॉफ्ट पैलेट अपवर्ड मूवमेंट से पोस्टीरियर नेयर्स क्लोज हो गए। दूसरा काम क्या करता है, प्लेटोफ्रेंजियल फोल्ड्स ना मीडियली मूव करते हैं। यहाँ पे दो तरह के फोल्ड्स होते हैं, प्लेटोफ्रेंजियल फोल्ड्स। प्लेटोफ्रेंजियल फोल्ड्स का मतलब है कि नाम से जाहिर हो रहा है पैलेट से आ रहे हैं और फेरिंग्स तक जा रहे हैं। ठीक है, प्लेटोफ्रेंजियल फोल्ड्स, ये प्लेटोफ्रेंजियल फोल्ड ये और ये ऊपर वाले, ठीक है, ये आपस मीडियली मूव करते हैं। मीडियली मूव करने की वजह से क्या होता है कि एक ना सेजिटल से स्लिट बन जाती है। यहाँ पे जो फोल्ड्स होते हैं, यहाँ पे फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड्स आपस में करीब करीब हो जाते हैं, उसकी वजह से ये रास्ता ना कम हो जाता है, सिर्फ वही फूड जा सकती है जो बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रॉपरली मैस्टिकेट हुई हो। ठीक है, प्रॉपरली च्यू की हो। पहला काम क्या था, सॉफ्ट पैलेट की अपवर्ड मूवमेंट। दूसरा काम क्या था, प्लेटोफ्रेंजियल फोल्ड्स की मीडियल मूवमेंट्स। तीसरा काम होता है वोकल कॉर्ड्स पे, ये हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स ने क्या करना है, वोकल कॉर्ड्स पास आ जाते हैं, वोकल कॉर्ड्स पास आ जाते हैं और ये जो नेक है ना, नेक के मसल्स वोकल कॉर्ड पास आ जाते हैं और नेक के जो मसल्स है ना, उसकी वजह से नेक के मसल्स हायर बोन को और लैरिंग्स को ऊपर खींच लेते हैं।
दो काम बताए मैंने, एक काम बताया वोकल कॉर्ड्स पास पास आ गए, दूसरा काम बताया मैंने कहा कि नेक के जो मसल्स है ना, नेक के मसल्स, उस वो जो हार्ड बोन है ना, ये हमारी हार्ड बोन है, हार्ड बोन नेक के जो मसल्स है वो हार्ड बोन को और लैरिंग्स को, ये एपिग्लोटिस है ये सारा, तो हार्ड बोन को और लैरिंग्स को ऊपर मूव कर देते हैं, ठीक है, ऊपर और अपवर्ड और इंटीरियर मूवमेंट्स करा देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो एपिग्लोटिस है ना ये क्लोज हो जाता है। दो काम हुए, वोकल कॉर्ड्स पास पास आ गए, ठीक है, इसके अलावा जो नेक के मसल्स थे उसने हार्ड बोन और लैरिंग्स को ऊपर मूव कर दिया, जब उसको ऊपर मूव कर दिया तो ये जो एपिग्लोटिस है, ये एपिग्लोटिस जाके ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स भी लग जाता है और लैरिंग्स की ओपनिंग बंद हो जाती है, ठीक है। ये तो तीन काम हो गए, एक तो सॉफ्ट पैलेट ने काम किया, दूसरा काम किया प्लेटोफ्रेंजियल फोर्स ने, तीसरा काम एक्शन हुआ वोकल कॉर्ड्स पे और मसल्स ने हार्ड बोन और लैरिंग्स को अपर मूव करा दिया। इस चौथे काम मैंने कहा ना कि लैरिंग्स की अपवर्ड मूवमेंट होती है, तो लैरिंग्स की अपवर्ड मूवमेंट से ना, लैरिंग्स की अपवर्ड मूवमेंट से क्या होता है कि ये जो ओपनिंग है ना, इस ये लैरिंग्स है यहाँ पे है ना लैरिंग्स, तो लैरिंग्स की अपवर्ड मूवमेंट से ओपनिंग खुल इस वजह से ओपनिंग स्ट्रेच हो जाती है, मतलब इसकी ओपनिंग खुल जाती है, ज़्यादा हो जाती है ओपनिंग, और जो अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स कर जाते हैं, ठीक है, अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स कर जाते हैं और ओपनिंग भी खुल जाती है, उसकी वजह से इजिली फूड नीचे आ जाता है। ये तो हो गए चार काम। चौथा काम क्या होता है, फेरिंग्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मेजरली फेरिंग्स के मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसकी वजह से फेरिंग्स की में एरिया कम होता जाता है और फूड नीचे आती जाती है। फेरिंग्स के मसल में पहले सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर्स करेंगे, फिर मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फूड आ जाएगी हमारे ईसोफेगस में। अब जब फ्रेंजियल स्टेज में ना स्वेलिंग जब जाता है ना, फ्रेंजियल स्टेज में जब होती है ये फूड हमारी, तो हमारे ना स्वेलिंग सेंटर क्या करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को 1 to 3 seconds के लिए ना, 1 to 2 seconds के लिए ना इनहिबिट कर देता है। क्या होता है कि जो स्वेलिंग सेंटर है वो रेस्पिरेटरी सेंटर को 1 to 2 seconds के लिए इनहिबिट कर देता है, जिसको हम कहते हैं डिग्लूटेशन एपनिया, ठीक है, रेस्पिरेशन थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है 1 to 2 seconds के लिए। मैंने दो स्टेजेस आपको बता दी, वॉलंटरी स्टेज पर फ्रेंजियल स्टेज, अब तीसरी स्टेज है इसोफेजियल स्टेज, हमारी फूड जो है इसोफेगस में आ गई है। अब हम इसोफेगस में दो तरह के इसोफेगस में हमारी फूड आ गई है, अब इसने जाना है स्टमक में, तीन वजह से जाएगी इसमें, तीन, एक तो प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस होती है, एक सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस होती है, ठीक है, इसके अलावा इसमें ग्रेविटी का इफेक्ट होता है, तीन इफेक्ट्स की वजह से ये फूड आगे जाती है, प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस की वजह से, सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस की वजह से और ग्रेविटी की वजह से। प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस तो वही मूवमेंट जो नॉर्मली पेरिस्टाल्सिस स्पीसीज हो रही है उसी को हम प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस तब क्रिएट होती है जब प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस की वजह से भी फूड इसोफेगस में ही रही, फूड इसोफेगस में ही है, स्टमक में नहीं गई, ठीक है। नॉर्मल जो पेरिस्टाल्सिस होती है प्राइमरी की वजह से इसोफेगस से स्टमक में आ जाती है, लेकिन अगर नहीं ना गई फिर क्या होता है कि जब फूड इसोफेगस से स्टमक में नहीं जा रही, तो फूड इसोफेगस की डिस्टेंशन हो गई है, इसोफेगस की जब डिस्टेंशन हो जाएगी तो इसमें जो मायंटेरिक नर्वस एक्टिविटी है वो एक्टिवेट हो जाएगी, वेगस नर्व, ठीक है, मायंटेरिक नर्वस एक्टिविटी इन एक्टिवेट हो जाएगी, नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, वो वेगस नर्व को स्टिमुलस देगा, ठीक है, और वेगस नर्व्स के थ्रू होगी सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। ये सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस होती है, इस सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस की क्या वजह से क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉलस पड़ा हुआ है ना, इस ये सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस ना इसके आगे वाले पोर्शन में रिसेप्शन रिलैक्सेशन करा देती है। मैंने क्या कहा था, सॉरी, रिसेप्शन रिलैक्सेशन करा देती है गैस्ट्रो इसोफेजियल, ये इसोफेगस और स्टमिक के दरमियान में स्फिंक्टर होता है जिसको गैस्ट्रो इसोफेजियल स्टमिक कराते हैं, तो वो जो वेगस नर्व इंफॉर्मेशन मायंटेरिक नर्वस सिस्टम
सेम वेगस नर्व में इंफॉर्मेशन गई, वेगस नर्व आई और वेगस नर्व ने क्या किया कि जो इस गैस्ट्रो इसोफेगियल स्फिंक्टर है उसको रिलैक्स करा दिया, जब रिलैक्स हो जाएगा तो फूड इजिली स्टमक में चली जाएगी। इसके अलावा थर्ड मैंने आपको बात बताई थी कि ग्रेविटी का रोल होता है, ग्रेविटी का रोल स्टैंडिंग पोजिशन में मेजरली होता है। स्टैंडिंग पोजिशन में ग्रेविटी असिस्ट करती है कि फूड इसोफेगस में से स्टमक में चला जाए।